मद्र देश के राजा थे अश्वपति। राजा और उनकी पत्नी मालवी, इनके मन में कोई भी शांति नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की उम्मीद रखते हुए उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की। सावित्री देवी ने खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया और कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी के आशीर्वाद से कन्या प्राप्त हुई, इसीलिए राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। देखते देखते सावित्री बड़ी हो गई और उसकी उम्र शादी की हो गई। आप हमें लेकर चिंतित है क्या? चिंता तो अब होगी ना बेटी, अब तुम्हारी शादी जो करवानी है हमें। किंतु मैं चाहता हूँ कि सावित्री खुद अपना वर तलाश करे, सही है ना? आप जो सोचेंगे वही होगा। मैं बहुत चली अब, लेकिन जो भी मुझे पसंद था उसे तो मैं ढूंढ ही नहीं पाई। अब क्या सच में मुझे मेरा वर मिल पाएगा? अरे, ये इतना सुंदर दिखने वाला आदमी कौन है? अरे, आप कौन हैं? क्या चाहिए आपको? मैं हस्तिनापुर की अशोक सम्राट की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम सावित्री है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम कोई राजकुमार हो। आपका अनुमान गलत नहीं है, मैं साल्लु देश के राजा का बेटा हूँ, राजकुमार सत्यवान। किस्मत का ऐसा फेर हुआ कि मेरे पिताजी अंधे हो गए, राज्य हार कर वनवासी हो गए। अब इस अवस्था में छोड़कर उनको कहाँ जा सकता हूँ? इसका मतलब अब तो ये राजकुमार नहीं रहा। नहीं नहीं, पर जो भी हो मुझे ये पसंद है, मुझे इसी से विवाह करना है। पिताजी, सालू देश के राजा हरिश्चंद्र के बेटे सत्यवान को लेकर आई हूँ। लेकिन अब वो कोई राजा नहीं है, वो अपने पिताजी के साथ जंगल में अपना जीवन बिता रहा है और वही मुझे पसंद है। ये तुम्हारा क्या बचपना है सावित्री? राजकुमारी हो, राजघराने से हो और एक अति सामान्य इंसान से विवाह करना चाहती हो। नारायण नारायण, बोलिए महाराज, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? सावित्रिका, सत्यवान के संग विवाह करने का मन कर रहा है, अब आप ही बताइए देवर्षि, इसमें मैं क्या करूं? इस विषय में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान गुणी है, सुंदर है, सुशील है, किंतु उसका जीवित काल 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये सब सुनकर हम तुम्हारा विवाह सत्यवान के संग नहीं होने देंगे। बेटा, तुम किसी और राजकुमार से विवाह कर लेना। लेकिन पिताजी, मैंने तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है, अब वही मेरे सर्वस्व है। अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। अब मैं ये फैसला नहीं बदल सकती। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी कन्या की बात मान ली। सत्यवान के साथ ही सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। जंगल में एक छोटी सी कुटिया में उन दोनों का जीवन बीत रहा था। सावित्री अपने पति के साथ अपने अंधे ससुर की भी देखभाल करती थी। बहुत दिल से वो दोनों की सेवा करती थी। इन सब के साथ सावित्री 1 साल कब होगा इस बात का इंतजार करती थी। 1 साल को जब 4 दिन बाकी थे, तभी से सावित्री ने उपवास रखना शुरू किया, कठिन उपवास। ये इतना कठोर उपवास क्यों शुरू किया तुमने? एक दाना तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं पी रही हो तुम। ऐसा करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मेरे रहते हुए आपको भी कुछ नहीं होगा और ना ही पिताजी को। आज तो वही दिन है जब मेरी मनोकामना पूरी होने वाली थी। नहीं नहीं नहीं, आज तो मुझे लगता है मैं पूरे दिन इन्हीं के साथ बैठी रहूंगी। दो दो सावित्री, जो भी है रोटी सब्जी मुझे बांध के दे दो, मैं लकड़ी और कंदमूल के लिए जंगल के बहुत भीतर जाऊंगा। तो फिर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ये क्या बोल रही हो, वैसे भी तुम उपवास के कारण कमजोर हो चुकी हो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी जंगल। लेकिन आप ऐसे अकेले जा रहे हैं, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे भी आपके साथ चलना है।
अब मैं कुछ भी करके इन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और सावित्री उन्हें बैठकर देख रही थी। लकड़ी काटते समय सत्यवान की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। आ गया था वो चरम समय। आज मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताइए क्या हुआ। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। आइए आइए मेरे गोद में सर रखिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। थोड़ा आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ ठीक हो जाऊँगा। ये क्या, आप कौन है और आपको क्या चाहिए? मैं हूँ यमराज। मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो कन्या। आज के दिन तुम्हारे सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी और इसीलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। ऐसा बोल के यमदूत उसके प्राण और प्राणहीन शरीर को लेके जाने लगा। सती नारी सावित्री बिना कुछ बोले यमदूत के पीछे चलने लगी। कुछ समय बाद यमदूत को महसूस होता है कि सावित्री उनके पीछे आ रही थी। जितने दूर वो आ गए थे सावित्री भी उनके पीछे आ गई थी। अरे ये क्या, तुम कब से मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित थी और वो हो गई है, अब अपने घर जाओ। लेकिन मेरे बिना ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कन्या? अपने पति से बढ़कर किसी भी नारी का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो ये अधर्म की बात होगी। चमत्कार, क्या बढ़िया कहा तुमने। तुम्हारी बातों से हम प्रसन्न हुए। सिर्फ सत्यवान को छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान मांगो, हम उसे पूरा करेंगे। सावित्री, अगर आप ऐसा कर ही सकते हैं तो मेरे ससुर जी की आंखें वापस लौटा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब तुम अपने घर निश्चिंत मन से जाओ, क्योंकि तुम काफी दूर आ गई हो। अरे ये क्या, तुम फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो। जाओ घर जाओ, तकलीफ होगी तुम्हें। अपने पति के रहते कोई भी पत्नी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ये मैं समझती हूँ। तुमने फिर से मुझे खुश कर दिया कन्या। अपने पति के प्राणों के बजाय और कोई वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे ससुर जी को उनका राज्य वापस लौटा दीजिए। हो जाएगा कन्या, जाओ। अब ज्यादा परिश्रम मत करो, घर जाओ। ये बात सुनने के बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से देखा तो सावित्री उनके पीछे आ ही रही थी। तभी यमराज बहुत गुस्से से बोले, काफी दूर आ गई हो तुम सावित्री, घर जाओ, लौट जाओ। ये मेरे लिए इतना दूर नहीं है यमराज, और मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी ना, इसमें डर किस बात का? क्या तुम हमें जानती नहीं? हम यम हैं, साक्षात पृथ्वी के देवता, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? मैं आपसे क्यों डरूंगी भला, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। इसका मतलब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाऊँगा। यमराज जी, आपका मन बहुत ही निर्मल है, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी का नुकसान करेंगे, इसलिए मुझे लगता है आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम्हारी बातों से मैं और भी खुश हुआ हूँ। सावित्री, सत्यवान के जीवन के बगैर तुम्हें जो भी वर चाहिए मांगो, हम पूरा करेंगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक बच्चे की माँ बनूं। क्या आप मेरा ये वरदान पूरा कर सकते हैं कि मैं अपने पति सत्यवान के बच्चे की माँ बन सकूं? ठीक है सावित्री, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो। लेकिन यमराज जी, ये तो तभी संभव होगा ना जब मेरे पति सत्यवान मेरे साथ होंगे, ये तभी संभव हो पाएगा ना? सावित्री, तुमने मुझे अपने ही जाल में फंसा दिया। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति को कोई नहीं फंसा सकता। बढ़िया, तुम ऐसा बोल रही हो तो वही होगा। सत्यवान का जीवन मैं अभी वापस करूँगा। सब आप ही की कृपा है, आपसे बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या। यमराज सत्यवान का प्राणहीन शरीर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सत्यवान के शरीर में प्राण आने लगे। धीरे धीरे सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। सत्यवान ने आंखें खोलते ही सावित्री को देखा और सावित्री भी उन्हें ही देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मैं
क्या हुआ था मुझे? ओह ओह, शरीर मेरा बहुत कमजोर लग रहा था। मेरे रहते आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, बताइए आप। अब देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं जैसे वापस ताकतवर हो रहा हूँ। अब हमारे दुख भरे दिन चले गए हैं, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चलिए नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही सावित्री ने सत्य, प्रेम और धर्म से सत्यवान के प्राण वापस लाए और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।